Assalamualaikum students, how are the students? Students, I am your spoken English language course trainer. Students, आज हम vocabulary के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि मुख्तलिफ जो केले होती हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं. तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स छुपन छुपाई को इंग्लिश में कहते हैं हाइड एंड सीक. हाइड एंड सीक. और गुल्ली डंडे की इंग्लिश होती है गिली डंडा. गिली डंडा. और पिथू की इंग्लिश और पिथू ही होती है. इसके अलावा प्लिंग मार्बल यानी कि गोलियां खेलना. गोलियां खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्लिंग मार्बल. प्लिंग मार्बल जिसे पंजाबी में आप आई थिंक बंटे भी कहते हैं. तो ये वो वाली गोलियां हैं. इसके अलावा रस्सी छलांग इसकी इंग्लिश होती है रूप जंपिंग. रूप कहा जाता है रस्सी को. जंपिंग मीन छलांग. और तीर अंदाजी की इंग्लिश होती है आर्चरी. आर्चरी. और उछल कूद वाला खेल जो होता है उसकी इंग्लिश होती है ट्रैक एंड फील्ड. ट्रैक एंड फील्ड. बैडमिंटन की इंग्लिश बैडमिंटन ही होती है. और बेसबॉल की इंग्लिश भी बेसबॉल होती है. बास्केटबॉल की इंग्लिश भी बास्केटबॉल. और क्रिकेट की इंग्लिश भी क्रिकेट होती है. और मुक्केबाजी को इंग्लिश में बॉक्सिंग कहते हैं. इसी तरह स्टूडेंट्स साइकिल चलाने वाले की इंग्लिश होती है बीएमएक्स रेसिंग. बीएमएक्स रेसिंग. और शतरंज को इंग्लिश में कहते हैं चेस. चेस. और क्ले टारगेट शूटिंग निशानाबाजी वाला खेल. इसी तरह स्टूडेंट्स वॉलीबॉल की इंग्लिश भी वॉलीबॉल होगी. और इसी तरह डाइविंग गोताखोरी की इंग्लिश होती है डाइविंग. डाइविंग. और स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जो ऐसे लोग हैं पहाड़ पर मोटरसाइकिल चलाते हैं उनको इंग्लिश में कहते हैं डाउनहिल माउंटेन बाइकिंग. और घुड़सवार को इंग्लिश में कहते हैं इक्वेस्ट्रेन. इक्वेस्ट्रेन. और जो तलवारों से आपस में लड़ते हैं जिस तरह पहले ज़माने में और आप पर्तुगल ड्रामा देखें उसमें भी ऐसा हुआ सीन तो आप उनको कह सकते हैं फेंसिंग. दे आर फेंसिंग विद ईच अदर. वो तलवारों से आपस में लड़ रहे हैं. और मैदान में जो हॉकी खेलते हैं उसको कहते हैं फील्ड हॉकी. इसी तरह बर्फ़ पर जिस्म घुमाने का खेल इसको कहते हैं फिगर स्कॉटिंग. स्टूडेंट्स आप खेलों के नाम भी देख के परेशान होते होंगे कि ओवरऑल कंट्रीज के खेल हैं. सॉकर को इंग्लिश में कहते हैं फुटबॉल. फुटबॉल. और गॉल्फ की इंग्लिश भी गॉल्फ होती है. याद रखिएगा जहीन तरीन लोगों का खेल है. दुनिया में पहला राइज होने वाला खेल है ये गॉल्फ. इसके अलावा वर्जिश की इंग्लिश होती है जिमनास्टिक. जिमनास्टिक. और टहलकर चलने वाले की इंग्लिश होती है जॉगिंग. जॉगिंग. आई एम जॉगिंग. कराटे की इंग्लिश कराटे ही होती है. और आप देख सकते हैं स्नोकर को इंग्लिश में कहते हैं बिल. बिलियर्ड्स. 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 और कैरम बोर्ड की इंग्लिश भी कैरम बोर्ड होती है. स्टूडेंट्स आपको लेक्चर कैसा लगा अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा. अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा. विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स. बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़.